थाना एराउ क्षेत्र में चोरी के मामले की रिपोर्ट दर्ज न करने और चोरी का खुलासा न करने से परेशान पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उसने एसपी से चोरी की घटना का खुलासा किए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हाथों में प्रार्थना पत्र लिए मौजूद यही वह पीड़ित महिला है जिसका नाम नेहा पत्नी राकेश कुमार निवासी अलीगंज थाना एलाऊ है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है और बताया है कि बीते दिनों पूर्व उसके मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था जिसका एक सीसीटीवी फुटेज थी उसकी तरफ से थाना पुलिस को दिया गया, लेकिन अभी तक ना कोई उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है ना ही चोरी के मामले में किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही की गई। पीड़ित महिला ने थाने पर कई बार इस बात की शिकायत की लेकिन थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है और यहां उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है, साथ ही क्या कुछ बताया है अब जरा ये भी सुनिए। नेहा, नेहा क्या मामला है, इसके साथ क्या शिकायत करने आई है? हमारे घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो हमारे गाँव का एक चोर है, वो घुसा आया घर में तो उसने रीत वगैरह काट के और जो हमारी नकदी भी रखी थी और जेवर रखा था हमारी बिटिया के साथ ही है तो वो निकाल ले गया। फिर हमने जब जानी तो हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया तो उन्होंने चेक किया तो उसमें वो चोर आ गया तो उन्होंने कहा थाने जाओ, तो हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा पेन ड्राइव दो, एक अपने पास रख लो और एक हमें दे दो। तो हम वो भी दिया है कि आपको हम दिलवा देंगे, तो हमने कहा जब 3-4 दिन तक हमारी कुछ नहीं सुनवाई हुई तो हमने कहा उनसे तो कहीं कहीं जाओ नहीं, हम तुम्हें दिलवा देंगे उससे, हम पकड़ लेंगे, हमें आश्वासन देते रहते, अब हमसे कोई बात ही नहीं करता है थाने जा रहे। कितने की चोरी हुई थी? हमारे करीब हुई थी 2.5-3 लाख की। कब हुई चोरी? हमारी 8 तारीख की रात की घटना है, 12:30 बजे। अभी कोई सुनवाई नहीं। आज किससे शिकायत करने आए हैं? आज एसपी साहब से। एसपी साहब शिकायत करने क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं कि हमारी जो नकदी और जेवर वगैरह गया है हमारा घर मेला है, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं। गांव कौन सा है आपका? अजीतगंज। थाना क्या पड़ता है? एलाऊ। थाना गई थी? हाँ। क्या कह रही है, क्या बोल रहे हैं? वो अब तो बात ही नहीं कर रहा, पहले कहते थे कि हम दिलवा देंगे और पकड़ देंगे। मुकदमा लिख दिया? हाँ, मुकदमा भी लिख दिया है सर। हम ये चाहते हैं कि हमारा जेवर वगैरह मिल जाए, जो पैसा वगैरह गया है वो भी मिल जाए और उसे पकड़ा जाए।